हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ बॉर्डर साटी ड्रेपिंग शेयर करना चाहूँगी। बॉर्डर अगर आपकी चौड़ी है तो किस तरीके से एडजस्ट करना चाहिए और बॉर्डर किस तरीके से उभर कर आएगी तो लुक हमारा पूरा बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई देगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट ड्रेप है राउंड जो है वो यहाँ पर ले लिया है और उसके बाद में साड़ी को गैदर करते हुए अब हम सामने की तरफ इस तरीके से लेकर आएंगे। यहाँ पर देखिएगा साड़ी का जो भी यहाँ पर बॉर्डर है उस हिसाब से हम पल्लू का पोर्शन बनाएंगे। पीछे की जो बॉर्डर दी हुई है वो थोड़ी सी चौड़ाई में कम है, लेकिन ये बहुत ही छोटी है, इतनी भी कम चौड़ाई में हमें पल्लू का अरेंज नहीं करना है। जो ऊपर की बॉर्डर दी हुई है उसी के हिसाब से हम बनाएंगे। तो इस तरीके से ये बॉर्डर है तो इसको अब हम कुछ इतनी ही चौड़ाई में रखेंगे, क्योंकि ये बॉर्डर ज़्यादा भी बड़ी नहीं है, बराबर मीडियम लेंथ की है। सो उसी के हिसाब से अब हम बनाएंगे तो इजी भी हमारा पल्लू बन जाएगा और लुक भी हमारा अच्छा आएगा। सो इसी तरीके से हम पल्लू का जो प्लीट्स वगैरह है वो अरेंज करेंगे कुछ इस तरीके से, वन बाय वन। आप नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर इस तरीके से ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते हैं पल्लू की प्लीट्स को अरेंज करना। सो इस तरीके से प्लीट्स को अरेंज करेंगे और इनको एक अच्छी तरीके से सेट करने के बाद यहाँ पर अब हम एक पिन लगा लेंगे। अंदर की जो प्लीट्स है उसको भी हमें अच्छी तरीके से सेट करना है। ऊपर की तरफ जो पोर्शन होगा वो थोड़ा सा रफ होगा, यहाँ पर सेफ्टी पिन लगाना मुश्किल हो जाएगा। सो थोड़ा नीचे की तरफ हम सेफ्टी पिन लगाएंगे और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगा। इसको अगर हम प्रेस करते हैं तो एक नीट एंड क्लीन हमारा लुक यहाँ पर बन जाएगा। नीचे के जो फैब्रिक है वो भी हम इसी तरीके से अरेंज करेंगे। जो प्लीट्स हमने बनाए हैं उसी प्लीट्स को हमें फॉलो करते हुए नीचे की तरफ जाना है और अच्छी एक लेंथ में पल्लू हमें बना लेना है। और सिर्फ बॉर्डर उभर कर दिखाई देनी चाहिए और इस साड़ी में हमें ये ध्यान देना है कि अंदर का जो फैब्रिक है वो यहाँ पर निकल कर ना आए इधर उधर से। सो इसी तरीके से अब हम बनाएंगे और अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन पल्लू का जो पोर्शन है वो अब हम यहाँ पर बनाते हुए जाएंगे। पीछे की जो बॉर्डर है उसको हमने इस डायरेक्शन में ले लिया है कि दोनों डायरेक्शन बॉर्डर की एक जैसे आए, आप देख ही सकते हैं, ताकि ऊपर की जो बॉर्डर आएगी वो एक अच्छी खासी और नीट एंड क्लीन हमारी यहाँ पर बन जाएगी। सो इस तरीके से हमारा जो पल्लू का पोर्शन है वो आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि एक लंबा खासा पल्लू हमने बना लिया है और हमें लेंथ में पल्लू थोड़ा सा लंबा ही रखना है, ताकि इससे आपका लुक जो है वो टॉल और स्लिम दिखाई देने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। सो इस तरीके से रखने के बाद आप देख सकते हैं कि घुटने से थोड़ा सा नीचे तक पल्लू का पोर्शन रखेंगे, शोल्डर पर एक सेफ्टी पिन लगा लेनी है और लगाने के बाद अब हम चलेंगे सामने के पोर्शन की तरफ। जो सामने का पोर्शन हमने बनाया है उसको भी अब हमें कुछ अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन अरेंज कर लेना है। जो भी हमारी बॉर्डर है वो भी यहाँ पर उभर कर दिखाई देनी चाहिए, दोनों बॉर्डर। सो इस तरीके से थोड़ा सा हाथ से प्रेस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हाथ से प्रेस करेंगे तो आपका जो पोर्शन है यहाँ पर इसका फ्लपीनेस कम हो जाएगा, एक नीट एंड क्लीन लुक आने में हेल्प हो जाती है। अब यहाँ पर ये बॉर्डर हम खींच कर लाएँगे और खींच कर लाने के बाद हम यहाँ पर एक सेफ्टी पिन लगा लेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर सेफ्टी पिन नहीं लगाई है क्योंकि बॉर्डर का जो पोर्शन था वो हाफ ही पोर्शन है, इसलिए मैंने टक इन कर दिया। और टक इन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, सामने के जो प्लीट्स है उसको अरेंज करेंगे। इसका जो फैब्रिक है ये थोड़ा सा जॉर्जेट टाइप है, सो इसके जो प्लीट्स हैं हम कम ज़्यादा भी बनाते हैं यानी कि चौड़ाई में तो बन जाते हैं। अब पीछे की तरफ एक प्लीट का फैब्रिक हम छोड़ देंगे और उसके बाद में सामने के जो प्लीट्स हमने अरेंज किए हैं तो फर्स्ट वाली जो प्लीट है उसको अब हम कुछ इस तरीके से सामने की तरफ थोड़ा सा ले लेंगे, ताकि बाकी की जो बची हुई प्लीट्स हैं वो यहाँ पर अच्छी तरीके से कवर हो जाए। और एक तरफ से हमारा जो पोर्शन है वो राइट साइड से नीचे की तरफ से अगर आपकी साड़ी ऊपर की तरफ चली जाती है तो ऐसा नहीं होगा, इसीलिए फर्स्ट वाली प्लीट्स जो है हमें थोड़ी सी नीचे की तरफ ज़रूर रखनी है। बाद में हम चलेंगे सामने की तरफ, यहाँ पर जो हमारी प्लीट्स हमने अरेंज किए हैं उसको अच्छे से सेट करना है, ताकि नीचे की जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा प्रेस ज़रूर कीजिएगा, इससे होगा ये आपकी जो प्लीट्स हैं वो अच्छे से अरेंज हो जाती हैं अच्छे से। यहाँ पर ये बॉर्डर है इसको अगर आप प्रेस करते हैं तो आपके ऊपर का जो फैब्रिक है वो अच्छी तरीके से सेट भी हो जाता है। अब देखिएगा ये फैब्रिक हमने अंदर की तरफ रख दी है, कोई भी सेफ्टी पिन अंदर की तरफ नहीं लगाई है। सो इसको अब हमें कुछ इस तरीके से हाथ से खींचना है, राइट वाले हैंड से, देखिएगा कुछ इस तरीके से। सो इसकी वजह से आपकी फिटिंग बहुत ही अच्छी तरीके से आते हैं। अगर सेफ्टी पिन भी हम लगाते हैं तो वो बॉर्डर वगैरह की साड़ी होगी ज़्यादा ही, सो उसको हम अच्छी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके की जो साड़ीज होती है सिंपल जॉर्जेट की होगी, सो इसको ये ट्रिक बहुत अच्छी तरीके से यूज़ हो जाती है इस साड़ी में और अच्छी तरीके से आपका जो लुक है वो यहाँ पर नीट एंड क्लीन आने में हेल्प होती है। कर्व का लुक वगैरह भी अच्छी तरीके से आपका बन जाता है।
यहाँ पर ऊपर की तरफ भी हम एक पिन लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। इस पिन में हम अंदर का जो फैब्रिक है वो भी इसके साथ में लेंगे। यहाँ पर जो बॉर्डर है इसको भी हम अच्छी तरीके से सेट करेंगे ताकि हमारा जो लुक है वो यहाँ पर नीट एंड क्लीन लगेगा। वन बाय वन हमें इन सारी प्लीट्स को अच्छे से अरेंज करना है ताकि एक नीट एंड क्लीन लुक आए, अनइवन लुक नहीं रहेगा और अच्छी तरीके से हम इसको सेट करेंगे। सो देखिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा जो लुक है वो यहाँ पर बन जाता है और इस तरीके की जॉर्जेट वगैरह की जो साड़ीज़ होती हैं उसके साथ में ये इजी होगा। लेकिन इसका जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा कॉटन मिक्स है, सो अच्छी तरीके से ये जो साड़ी है वो सिल्क का सॉफ्ट सिल्क फैब्रिक भी हम इसको कह सकते हैं। आप देख ही सकते हैं कि नीचे की जो बॉर्डर है वो भी अच्छी तरीके से अरेंज हो चुकी है, पल्लू का पोर्शन भी बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर अरेंज हो चुका है और बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी जो ड्रेपिंग है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। सो बहुत ही अच्छी तरीके से ड्रेपिंग आई है। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। आपको कैसी लगी मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।